अक्षय कुमार इंडस्ट्री का वो नाम है जिन्हें ना सिर्फ सक्सेसफुल मूवीज का बादशाह कहा जाता है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का भी किरदार वो बखूबी अदा करते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही फ्रंट पर रखे अपने लोगों और अपने देश के लिए कई तरह से भागीदारी भी निभाते हैं और उनके इसी कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हुए इन्हें मिला वो सम्मान जो पाने का होता है हर एक्टर का ख्वाब और जिसके बारे में जानकर आप अपने सुपरस्टार पर प्राउड जरूर करेंगे। रुके रुके थोड़ा सब्र रखिए, बताते हैं आपको। दरअसल आज नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 विजेताओं को ऑनर करने के लिए विज्ञान भवन में एक इवेंट रखा गया जिसमें देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू समेत बॉलीवुड की भी कई हस्तियों ने शिरकत की। वहीं अक्षय को भी पैडमैन फिल्म के लिए बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के हाथों से अवार्ड मिला। आपको बता दें कि इस अवार्ड सेरेमनी में अक्की के अलावा उरी एक्टर विकी कौशल आयुष्मान खुराना को भी अवार्ड मिला। विकी को उनकी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सम्मानित किया गया तो वहीं आयुष्मान को उनकी फिल्म अंधाधुन के लिए ऑनर किया गया। बता दें कि अक्की को इससे पहले रुस्तम के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिल चुका है। हमेशा कूल और फंकी रहने वाले अक्षय सेरेमनी में फॉर्मल्स में पहुंचे जिसमें वो काफी स्टाइलिश और हैंडसम लग रहे थे। तो ऑडियंस अपने सुपरस्टार की इस बड़ी अचीवमेंट पर आपका क्या कहना है, ओपिनियन रखिए अपना नीचे कमेंट सेक्शन में।